बाबा साहब एक मिनट नजर नहीं है, है ना, उतने ही उछलना जितना गिरो तो हाथ पैर न टूटे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट जिले की वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खापा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल को ग्राम सरपंच सहित ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। विधायक के सामने ही उनके समर्थक और सरपंच कांग्रेस नेता के साथ भिड़ गए, उनके बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। इसकी वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक प्रदीप जायसवाल भी फंस गए थे, लेकिन उनके गार्ड ने उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया। इस सब के बाद भी विधायक ने यहां कुदाली चलाकर सेठ का भूमि पूजन किया। बता दें कि विधायक प्रदीप जायसवाल ग्राम खापा में मजदूरों के लिए टीन सेठ का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता व गांव के सरपंच देवी सिंह गौतम और उनके समर्थक यह समझ बैठे कि यहां जो सीसी सड़क बन रही है विधायक उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसके चलते सरपंच कांग्रेस नेता सहित ग्रामीण विधायक जायसवाल के पहुंचते ही उनका विरोध जताने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान विरोध करने वालों ने नारेबाजी लगाते हुए विरोध करते हुए विधायक को काले झंडे दिखाए और इसी बीच में जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल इस प्रकरण की निंदा करते हुए मंच से कहा कि वारासिवनी की राजनीति में ऐसा स्तर कभी नहीं गिरा है। वह इस पूरे घटनाक्रम की घोर निंदा करते हैं। वहीं आगे विरोध करने वालों को मंच से विधायक प्रदीप जायसवाल ने दे दी दो टूक, कहा ये सब वारासिवनी में नहीं चलेगा, विरोध करने वालों सब मेरी नज़र है, उतना ही उछलना जितना गिरने पर हाथ पैर ना टूटे। ये बात हजम कुछ बड़े लोगों को हजम नहीं होती, कुछ हजम नहीं हो रही है, इसलिए सब ये जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं गांव की जनता से मिलने आया था कि रोड कैसी बन रही है, कहां से बन रही है, क्यों बन रही है, हा? अगर अभी शुरुआत में कोई खराबी हो तो कौन सुधारेगा, कल को गड़बड़ होगा तो कौन बोलेगा, बोले विधायक ने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं सड़क निर्माण को देखने आ रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, हमारे मजदूर भाइयों को साथ टीन सेट का भूमि पूजन कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं मैं? ये 70 लाख रुपए की राशि सरकार से मैंने लाया, खंडवा का मैंने 12 करोड़ लाया, उसका भूमि पूजन को सरपंच करेगा, कौन करेगा बताओ? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये नकारात्मक राजनीति है, ये मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूं और ये सब वारासिवनी में नहीं चलेगा, ठीक है ना। सबके चेहरे मेरी नजर में आते हैं, सबके चेहरे ऐसा ना समझ रहा कि मेरी नजर नहीं है, है ना, उतना ही उछलना जितना गिरो तो हाथ पैर न टूटे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।